हदीस में आया है कि दुआ इबादत का मग़ है, और एक हदीस में आया है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, लेकिन अहले हदीस भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते। इज्तमाही तौर पर आप बराए मेहरबानी कुरान और हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाएँ। देखिए हदीस में आया कि दुआ इबादत का मग़ है, अब दुआ उम्मुल इबादा ज़ईफ़ हदीस है, इसमें एक रावी है इब्न लहिया, उसका उसकी याददाश्त ख़राब हो चुकी थी, इमाम तिर्मिदी ने इसको रिवायत किया, ये रिवायत ज़ईफ़ है। इससे बेहतर रिवायत दूसरी आपके पास है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ उहुल इबादा, दुआ ऐन इबादत है। तो ये जो हदीस है सुनन अबी दाऊद में है और ये रिवायत सही है। तो बहरहाल दुआ इबादत है और इबादत करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन मांगना कैसा चाहिए, जैसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है, उसके उसूल और आदाब और जो भी तफसीलात हैं उनकी रियायत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं की, लिहाजा हम कहते हैं कि इतने साल आप मदीना में रहे, तकरीबन 10 साल आप मदीना में रहे और जमात से नमाज होती रही, लेकिन आपने एक भी बार इज्तिमाई दुआ नहीं की, तो ऐसा क्यों? जो काम नबी ने जानबूझ के 10 साल तक नहीं किया आप उसको कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा इल्म वाले हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ की कद्र कीमत आपको ज़्यादा मालूम या नबी को? इज्तिमाई दुआ की फजीलत नबी को ज़्यादा मालूम कि आपको? तो जो काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका होने के बावजूद नहीं किया उसको न करना सुन्नत है। इसीलिए अहले हदीस फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करते हैं। अब कोई आदमी अगर ये कहे कि इज्तिमाईत में बरकत होती है, अकेले अकेले अगर दुआ मांगे, देखो किसी को दुआ करने आती किसी को नहीं भी आती, इमाम साहब को इतनी अच्छी अच्छी दुआएं आती हैं, कुरान के हाफिज़ भी हैं, लंबी लंबी दुआ कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करें, इमाम साहब दुआ करें हम आमीन बोले, इसमें बुरा क्या है? इसमें इज्तिमाईत है, इसमें इमाम साहब के इल्म का फ़ायदा उठाना है, अगर ऐसा करते हैं तो कितना अच्छा होगा। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है, अगर उससे ये कहें ठीक है सुन्नत नमाज़ें भी ढंग से लोग पढ़ते नहीं भी पढ़ते, और मगरिब की नमाज़ 3 पढ़ के उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ते हैं, अकेले अकेले पढ़ते, एक काम करेंगे इमाम साहब जैसे फ़र्ज़ पढ़ा के फारिग हुए फिर से वापस खड़े हो जाओ, और जो 3 रकत फ़र्ज़ पढ़े उसके बाद की जो 2 सुन्नत है मगरिब की वो भी जमात के साथ पढ़ेंगे, तो कितना अच्छा होगा, चलेगा? नहीं, फ़र्ज़ नमाज जमात से पढ़ते हैं और सुन्नत नमाज अकेले अकेले पढ़ते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? उसको जमात से पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? आदमी बोलेगा नहीं पढ़ सकते। क्यों? इसलिए कि ये ऐसा ही है, वो वैसा है, ये ऐसा है, फ़र्ज़ नमाज जमात से है और सुन्नत नमाज अकेले है। तो हम ये कहते हैं कि जब आप सुन्नत नमाज सुन्नत हो के अकेले पढ़ रहे हैं, इज्तिमाईत आप छोड़ रहे हैं, तो हमारे नबी ने अगर ऐसा नहीं किया है तो दुआ में भी यही कायदा आप क्यों इख्तियार नहीं कर रहे हैं? दुआ में भी वही कायदा है, जहाँ आपने इज्तिमाई दुआ की इज्तिमाई दुआ करो, जहाँ इन्फिरादी की वहाँ इन्फिरादी करो। जज़ाकअल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में, इसी वजह से फ़िक़्ह की किताबों में भी इसका तस्करा नहीं है। ये बरसग़ीर में एक चीज़ राइज हो गई है, तो अब जो चीज़ राइज हो जाए उसको एकदम से छोड़ने में फितना होता है, तो इसलिए उसको आराम आराम से तमीज़ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने अपनी मस्जिद में पहले इज्तिमाई दुआ हल्की फुल्की कराई कुछ महीने, फिर पहले मैंने आहिस्ता शुरू की तो लोग देखते थे ये ज़ोर से दुआ क्यों नहीं मांगते, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने दो लोगों को, इज्तिमाई कराता था लेकिन आहिस्ता। फिर जब लोग इसके आदी हो गए और उसके बाद फिर मैंने इज्तिमाई भी छोड़ दी, अखपल तरीके से मांग रहा हूँ, यानी हाथ उठाता हूँ मगर नियत इज्तिमाई की नहीं होती, अपनी पब्लिक अपनी मांग रही होते हैं अपनी मांग रहे होते हैं। जब यहाँ तक इसके लोग आदी हो गए, फिर अच्छा पहले तो ये बताता था हाथ उठाते हुए ना अल्लाहुम्म अंतस्सलामु, यूँ पढ़ता था, नियत होती थी अपनी। फिर जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर हाथ उठाते हुए पब्लिक को पता ही नहीं चलता, अब हाथ गिराते हुए भी पता नहीं चलता, तो शुरू में लोग कन्फ्यूज़ है यार इमाम साहब दुआ ख़त्म करके थे पता ही नहीं चल रहा होता, कोई ना मिस कॉल आती है ना कोई आवाज़ आती है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे हाथ गिराए कि नहीं गिराए हैं, तो मैं उससे कहता तुम्हें इससे क्या है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा, तुम्हें उससे क्या मसला है, मेरी मर्ज़ी। तो पहले इस पर एतराज़ात हुए, होते 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 ना ये इमाम को बाहर निकालो, किसने कहा ये पता नहीं कौन सा आ गया, ये वहाँ भी है, किसने कहा क्या है। फिर जब इसके आदि हो गए ना, अभी यहाँ तक आके ब्रेक लग गई है मेरी, इसके बाद अगला स्टेप ये कि ये दुआ मांगना है नमाज के बाद हाथ उठा के कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, तो इसको इतना ज़रूरी क्यों समझ रहे हो भाई? जो इमाम हाथ उठा के नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता उसको इमामत से निकाल देते हैं,
तो अब कुछ दिनों में इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को सेट करना है कि अगर इमाम सलाम फेर के तस्बीह पढ़ के घर चला जाए, दिल में दुआ मांग ले या घर जाके मांग ले, तो अल्लाह की रसूल की तरफ से इमाम इस बात का पाबंद नहीं है कि वो गन पॉइंट पे उससे दुआएं मंगवाई जाएं। लेकिन अभी लोगों का हाजमा इतना हुआ नहीं है, ये कर लिया तो नहीं, आप लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ यहाँ तक आ गए तो अगला स्टेप इंशाल्लाह 10-20 सालों में वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम फितना नहीं खड़ा कर देना चाहिए, तमीज़ से हर काम, जब तमीज़ से होता है। लोग कहते हैं ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करोगे, भाई तमीज़ से बात करो कहते हैं ना, तो ये काम भी इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी तमीज़ से यहाँ तक पहुँच गए, ये भी बड़ी बात है। यहाँ तक हमारी मसाजिद में इस स्टेज तक पहुँचना भी आसान काम नहीं है। अब देखें जुम्मे में दुआ शार्ट है ना, आज जुम्मे के बाद दुआ मांगी मैंने, नहीं है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चला, आप लोगों को भी पता चलेगा, चले जाएंगे घर, ठीक है। कोई जुम्मे के बाद तो इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी हैं। तो कोई एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो ये ना मांग रहा हो, ये बताने के लिए कि वो फ़र्ज़ नहीं है। जो इज्तिमाई दुआ खुतबे में होती है वो तो सुन्नत है, वो हो गई। खुतबे में हमने दुआ मांगी ना, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदीत वाफीना, ये है सुन्नत, ये हमने कर ली है। तो जो सुन्नत दुआ थी वो तो हो गई, अब आपको इख्तियार है उसके बाद दुआ मांगो नहीं मांगो। तो इस तरह से हम सेटिंग पे लोगों को ला रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल।